हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और काफ़ी लोग मेरे प्लेस्टेशन 2 से रिलेटेड सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से अभी प्लेस्टेशन 2 की वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, प्लेस्टेशन 2 की जो CD या DVD वगैरह हैं उनसे हम किस तरह USB गेम क्रिएट करेंगे और ISO फाइल क्रिएट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी मेरे पास CD DVD रखी हुई हैं और इनसे रिलेटेड आपको मैं काफ़ी अच्छी बातें बताने वाला हूं और साथ ही कंप्लीट प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। तो आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखना लास्ट तक। तो दोस्तों देखिए, अभी के टाइम में कोई CD DVD से गेम नहीं खेलता, लेकिन जिसके पास प्लेस्टेशन स्लिम है यानी लेंस वाला जो PS2 है, अगर आप उससे खेलते हैं तो काफ़ी अच्छे कुछ गेम ऐसे हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा CD DVD पर खेलने के बाद भी क्या ऐसा लगेगा आपको कि आप बिल्कुल हार्ड ड्राइव वाले प्लेस्टेशन 2 पे खेल रहे हो। ना ही वो लोडिंग ज़्यादा लेती हैं और ना ही कुछ, मतलब अटकते भी नहीं हैं। और कुछ कुछ गेम के बारे में मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि कौन से गेम अटकते हैं CD पर खेलने के बाद भी और लोडिंग भी लंबी लंबी करते हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों प्लेस्टेशन 2 के काफ़ी सारे गेम खेले हुए हैं। तो सब में पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि USB गेम किस तरह से क्रिएट करेंगे। जब तक ये प्रोसेस होगी मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि USB गेम किस तरह से क्रिएट करते हैं और ये एप्लीकेशन मैंने आपको डाउनलोड करना भी दिखाई थी, डाउनलोड करना का तरीका भी बताया था आपको मैंने। तो देखिए, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसे डाउनलोड कैसे करें। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे और इसी एप्लीकेशन का हम यूज़ इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है USB यूटिल वर्जन 2.0 और इस टूल का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप कोई भी एक DVD इसमें से मैं ले लूँगा। और देखिए दोस्तों, ये है रेसिडेंट ईविल 4 की प्रिंस ऑफ पर्सिया। और चलिए हम प्रिंस ऑफ पर्सिया से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम ले रहे हैं और देखिए इस पर स्क्रैच वगैरह भी हैं। और दोस्तों, हमें ये प्रोसेस करने के लिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में उसमें CD राइटर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ गेम ऐसे होते हैं जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी नहीं मिलेंगे, ना ही किसी जो डाउनलोड करने वाली वेबसाइट होती है आप वहाँ से भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, रेसिडेंट ईविल 4 चीट एडिशन, तो मेरे पास उसका अभी ये रेपर भी था, ये रहा। तो देखिए दोस्तों, ये है रेसिडेंट ईविल 4 चीट एडिशन। तो आप ये वाला, इसकी ISO किसी भी गूगल से या किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अगर आपने कर लिया है तो मुझे ज़रूर बताएँ, क्योंकि मुझे चाहिए। तो मेरे पास इसकी CD थी, तो मैंने एक बार इससे गेम क्रिएट किया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे गेम लिया। हालांकि ये दुकानदारों के पास भी ये गेम नहीं था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अभी थोड़ा राइडर प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए मुझे CPU खोलना पड़ा। तो अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी वीडियो देखना है तो दोस्तों, वो मेरे चैनल पर कुछ टाइम बाद अपलोड होंगी। और अगर जैसे फॉर्मेट वगैरह कैसा करते हैं तो ये सब वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होंगी दोस्तों, पर कुछ टाइम बाद। तो देखिए, हमारे यहाँ पर राइटर आ गया और ये है हमारी CD प्रिंस ऑफ पर्सिया की। तो चलिए, अब यहाँ पर हम इसको खोल लेंगे एप्लीकेशन को। एक ही एप्लीकेशन से दोस्तों आप काफ़ी सारे काम कर सकते हो। यहाँ पर हमें करना है क्लोज। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ओपन गेम लिस्ट, ओपन ISO एक्सप्लोरर मॉडिफाई, क्रिएट गेम फ्रॉम ISO, क्रिएट गेम ISO फ्रॉम CD DVD। तो हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों क्रिएट गेम ISO। तो सॉरी दोस्तों, इसमें नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर वो शायद दूसरा वाला है, क्योंकि ये भी मैं अब काफ़ी टाइम बाद ये कर रहा हूँ। तो ये रहा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया है DVD। यहाँ पर हमने सिलेक्ट करा इधर से, ये हमारा राइटर आ गया।
और अब हम जिस भी गेम में जिस भी ड्राइव में सेव करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो मैं करूँगा डी ड्राइव में, खाली डी ड्राइव में कर दूँगा सीधे ही। तो हमने हार्ड डिस्क सिलेक्ट करी, अब यहाँ पर आएगा मीडिया टाइप, तो आप इसे ऑटो पर कर दें। अगर आप सीडी सिलेक्ट करेंगे तो ये सीडी पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, और अगर आपको मैनुअल करना है तो मैनुअल कर लें। और दोस्तों ये है एक्सट्रैक्ट। तो अब आपको क्या क्रिएट करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं, गेम क्रिएट करना चाह रहे हैं या आईएसओ। तो मैं पहले करूँगा आईएसओ फाइल, और यहाँ पर हम इसको नेम कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रिंस ऑफ पर्सिया, तो खाली मैंने प्रिंस लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे कीबोर्ड के भी कुछ बटन नहीं चल रहे हैं प्रिंस। और अब मैं यहाँ पर सीधे इसको कर दूँगा क्रिएट। तो दोस्तों ये प्रोसेस होने में कुछ टाइम लगेगा, जब तक मैं आपको कुछ देखिए। तो कुछ गेम आपको ऐसे हैं जो नहीं मिलेंगे, जैसे कि रेसिडेंट ईवल, मैंने आपको बताया था रेसिडेंट ईवल 4 चीट एडिशन, ये मैंने काफ़ी ट्राई करा डाउनलोड करने के लिए, पर ये मुझे किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिला। और एक गेम मैं आपको बताऊं, जैसे कि GTA सैन एंड्रियास कुंग फू पांडा, वो वाला गेम भी मुझे किसी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं हो रहा है। अगर आपने करा हुआ है तो मुझे वेबसाइट का नाम बताएं कमेंट में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस चालू होने लगी है, और इसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है, 10 से 15 मिनट। और एक गेम और था दोस्तों मेरे पास, जो कि था GTA IB, यानी GTA 4, वो PlayStation 2 का यानी सैन एंड्रियास ही था, पर वो गेम भी मुझे नहीं मिल पाया। और जब मैं दुकान पे डलवाने गया तब भी वो मुझे नहीं मिला। तो देखिए दोस्तों कुछ गेम ऐसे होते हैं जो लोडिंग करते हैं। अगर आप रेसिडेंट ईविल 4 इस वाली सीडी से खेलोगे, ये 40 रुपये इसकी प्राइस थी, और अभी के टाइम में तो ये आने ही बंद हो गई हैं। तो 40 रुपये में हमें DVD ये वाली मिल जाएगी, अगर आप इस टाइप से खेलते हो तो। ये काफ़ी लोडिंग करती है, जब आप किसी गेट वगैरह में जाते हो या मूवी वगैरह आती है तो ये अटकती हैं। लेकिन अगर आपने इस टाइप की जो ब्लू वाली DVD होती हैं, जो ISO फाइल से बनती हैं या काफ़ी दुकानदार बना के देते हैं, अगर आपने इस वाली इससे खेला होगा तो आपको पता होगा किसी टाइप की कोई लोडिंग नहीं करता। लोडिंग करता है मतलब जैसे कि ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल आप हार्ड डिस्क पे खेल रहे हो। और इस टाइप की जो CD वगैरह होती हैं, अगर आप उससे गोड हैं खेलोगे काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर अब वहीं हम बात करें गोड ऑफ वॉर 1 की, तो दोस्तों इस टाइप में आप CD से खेलोगे तो चलता तो है, पर लोडिंग काफ़ी करता है और कभी कभी अटक ही जाता है, जिसके कारण आपको रीसेट गेम करना पड़ेगा। गोड ऑफ वॉर 2 में भी अटकेगा, क्योंकि जो मैंने खेला हुआ है, जो मेरे साथ हुआ था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप रेसिडेंट ईविल 4 CD से खेलना चाहते हो तो इस टाइप की एक CD बनाएं। ये देखिए ब्लूरे DVD है 4 GB की, और ये आपको अलग अलग कंपनियों की मिल जाएगी 15 से 20 रुपये में। तो ये इसमें रेसिडेंट ईविल 4 गेम है, और ये काफ़ी बिल्कुल हार्ड डिस्क का जैसा आपको चलेगा, बिल्कुल स्मूथ, ना लोडिंग लेगा ज़्यादा लंबी, ना ही कहीं अटकेगा, क्योंकि ये मैंने सब में ज़्यादा खेला हुआ है। और ये दोस्तों जो रेपर आप देख रहे हो, ये मैंने ऊपर से अलग से लगाया है, जो CD DVD का इस तरह का जो पैकेट आता है रेपर, इससे काट के। और दोस्तों काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि ये DVD आपको कहाँ से मिली और इसका प्राइस कितने का है। दोस्तों अगर आप जानते हो, आपने कभी DVD खरीदी होगी, तो वो जो PlayStation 2 की ओरिजिनल DVD होती है उसका प्राइस 1200-1300 रुपये के आसपास था। हालांकि मैंने कभी ख़रीदी नहीं है, सिर्फ मैंने पता ही किया है उसके बारे में। तो दुकान पे आप जब भी लेने जाओगे तो आपको 1200-1300 रुपये के आसपास मिलेगी, और अब तो मिलेगी ही नहीं। दोस्तों देखिए प्रिंस ऑफ पर्सिया की हमारी इसमें लगी हुई है, और ये 6% कम्प्लीट हुआ है अभी। और मैंने जैसे कि आपसे कहा, तो शायद ये मेरे राइडर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर शायद ये साटा केबल की प्रॉब्लम है, लेकिन हो जाएगा कंप्लीट। जब तक देखिए प्रिंस ऑफ पर्सिया 1, और ये है 2, प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विथन काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट वाला भी आपने नहीं खेला तो खेलना ज़रूर। प्रिंस ऑफ पर्सिया 2 मैंने खेला हुआ है, 3 यहाँ मैंने नहीं खेला। ये देखिए इसकी भी मैंने ब्लूरे DVD बनाई है, और खेला था कम से कम, ये मेरे पास 150 से ऊपर थी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मल्टी लोडर डिस्क है, इसमें 4 GB की ये डिस्क होती है, और इसमें
4 GB के अंदर जितने भी मल्टी गेम आ सकते हैं इस टाइप में बन जाती हैं, पर इसे आप खुद से नहीं बना सकती, ये बनी बनाई आती है। अगर आपने बनाया तो मुझे बताएं। और PES 2014 ये तो मेरे एक गेम के साथ मुझे मिली थी और ये मैंने खेला भी नहीं है। और दोस्तों देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर की DVD है जो PlayStation 2 रजीला कॉम्बो में काफ़ी काम आती है। अगर आप ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे तो जब तक आपका हार्ड डिस्क वर्क नहीं करता, क्योंकि इसके द्वारा आपका जो हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर डलता है, या OPL डालें आप, चाहे गॉड ऑफ वॉर वाला कोई सॉफ्टवेयर। और ये Tekken 5 ये मैंने नहीं खेला। अगर आप ये देखिए, और पेन की DVD भी मेरे पास है, ये भी ब्लूरे वाली है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। अभी ये 9% हुई है, और जब ये 100% हो जाएगी तो मैं आपको शो करवा दूँगा हार्ड डिस्क पर और उसके आगे। दोस्तों ये 98.99 100% होने वाला है। ये देखिए हो गया। अब हम इसको क्लोज करेंगे और देखेंगे यहाँ पर ISO 5। ये गई हमारी डी ड्राइव में सब में। देखिए यहाँ पर हमने प्रिंस के नाम से सेव करा है। तो ये प्रिंस के नाम से देखिए दोस्तों, ये ISO फाइल सेव हो गई है। और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में आप देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है ISO, और ये लगभग 2.5 GB का है। प्रिंस ऑफ पर्सिया द सेंड ऑफ टाइम, आप इसे रीनेम कर सकते हैं। और देखिए मैंने आपको दिखाया, अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा यहाँ से। और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, न्यू फोल्डर 7। आप इस पर नाम भी कर सकते हो, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। और देखिए आप दोस्तों, हम उसी फंक्शन में वापस जाएंगे, फिर से क्लोज करेंगे। और अगर आपको ISO क्रिएट करना है, आपके पास ये नहीं है, तो आप कोई सा दूसरा भी जो CD बर्न या CD VD तो जो बर्निंग करता है, या कॉपी या राइट वगैरह करता है, उस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हो। एक आता है CD बर्न, मेरे पास दोस्तों दूसरा वाला है। और इसकी CD को भरते कैसे हैं मैंने बताया हुआ है, तो उसकी वीडियो भी अलग है, तो आप देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए दोस्तों, ये है गेम। आप इसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर नाम डाल देंगे। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ नाम डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर, जब तक ये क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा PPP। और अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे न्यू फोल्डर, कौन सा था हमारा, 7। और फिर दोस्तों हमें यहाँ सिलेक्ट भी करना पड़ेगा हमारा जो राइडर है उसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आ गया, इसीलिए नहीं आ रहा था, क्योंकि दोस्तों मैं इसको काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अब सीधे गेम डाउनलोड करता हूँ, और मैं अब तो खेलता भी नहीं हूँ, और डाउनलोड भी बहुत कम करता हूँ कभी कभी जब कोई नया वर्ज़न आया होता है गेम का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे, और जो हमारी ISO फाइल सीधे अब हमारा गेम क्रिएट हो जाएगा USB के लिए, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसमें और पेन ड्राइव में कॉपी करके। तो अब दोस्तों, इस प्रोसेस होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग वही 15 से 20 मिनट। तो दोस्तों देखिए, ये 96% कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों, जो पिछली वीडियो में मैंने ये तरीका आपको बताया था, और ये अभी सामने हो रहा है सेम यही प्रोसेस। अगर आप इस तरीके से ये वाला ULF फाइल वाला गेम बनाते हो, तो जो आप भी जो कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, उसमें सब में दोस्तों ये वाला गेम चलता है। और देखिए दोस्तों, चलिए अब हम आ गए ड्राइव पर, मैंने करा था D ड्राइव में 7 नंबर के फोल्डर में। तो ये हमारे देखिए, अभी ये गेम फाइल आ गई, और ये बनी है UL CFG फाइल वाली। तो अब वापस हम जाएंगे इस पर, हम पहले लगाएंगे पेन ड्राइव। तो दोस्तों, ये रही मेरे पास 16 GB की पेन ड्राइव, और इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर।
दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गई, और इसमें पहले से ही एक फ़ाइल गेम की डली हुई है। मुझे नहीं पता कौन सी डली हुई है, तो मैं चेक कर ले रहा हूँ और मैं आपको इसमें कॉपी करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चला के दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मैंने पिछली अपनी सारी काफ़ी वीडियो में गेम चला के आपको दिखाए हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। सेम प्रोसेस से मैं करता हूँ। तो ये आ गया ULFCA फाइल। तो दोस्तों हमारे पेन ड्राइव में जो गेम था ओपन सीजन, हाँ, तो ये गेम मैंने क्रिएट किया था और इस गेम को मैंने चेक भी करा था, बनाकर दिखाया था पिछली वीडियो में। तो जब कही ये इसमें है, अब मैं आपको देखिए कॉपी कर देता हूँ ये वाला गेम लोट, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आया कॉपी का ऑप्शन, और हमारी जो पेन ड्राइव है वो है ये। तो हम यहाँ पर देखिए, अगर आपके पेन ड्राइव में पहले से गेम हैं तो यहाँ पर आपको ये येस दिखा रहा है, नहीं होंगे तो नो दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ कॉपी येस। तो दोस्तों इस प्रोसेस में भी 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PlayStation 2 से रिलेटेड कुछ और दिखाऊँगा।